कि तुम तशरीह कर रहे हो वो गलत है। बात समझ में आती नहीं आती? इसमें अच्छे अच्छे मौलवी भी लुढ़क जाते हैं। अब मौलवी साहब से कहा गया कि रफ या दैन हदीस में आता है कि नहीं आता है, तो है। हाथ सीने पर बांधना हदीस में आया है कि नहीं है, तो है। जोर से आमीन कहना हदीस से साबित है कि नहीं है, तो है का क्या मतलब आप समझेंगे? करो, ये बेवकूफी आपकी। अमल दोनों का एक हो तो दोनों अमल सही नहीं हो जाएगा। अमल में इत्तेहाद से हुक्म में इत्तेहाद लाजिम नहीं आता। देखो, दो आदमी गाड़ी लेकर जा रहा है और पूरी महारत के साथ ड्राइविंग कर रहा है, चौराहे पर पहुंचा, ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, ट्रैफिक पुलिस ने हाथ दिया, दोनों ने गाड़ी रोक दिया। ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि लाइसेंस दिखाओ, ड्राइविंग लाइसेंस एक ने दिखाया, निकाल कर पेश कर दिया। उसको पुलिस ने कहा जाएगा तस्वीर ले जाएगी। दूसरे ड्राइवर से कहा ड्राइविंग लाइसेंस लाओ, ये सब बुखरात का। तीसरे का लाइसेंस गाड़ी चलाता है कि आदमी? स्टेरिंग कौन घुमाएगा? वो लाइसेंस पे बुक कि हम घुमाएंगे। लाइसेंस क्या होता है? कुरान हदीस में कहीं लाइसेंस नहीं आया। लाइसेंस का जिक्र ही नहीं है हदीस में ना कुरान में। आपने उसको छोड़ दिया, हमको आप क्यों पकड़े हुए हैं? क्या मैं उससे कमजोर ड्राइवर हूं? मैं उससे अच्छी गाड़ी चलाता हूं। दोनों का इम्तिहान लेके देख लो। पुलिस ने कहा मेरा काम इम्तिहान लेना नहीं है, मेरा काम सिर्फ इतना ही ड्राइविंग लाइसेंस लाओ। उसने कहा लाइसेंस लाइसेंस नहीं है, क्योंकि मैं हदीस कुरान के खिलाफ तो अमल करता नहीं हूँ। न हदीस में लाइसेंस, न कुरान में लाइसेंस। तो उसने दूसरे ड्राइवर को फिर बुलाकर पूछा, भाई तुम लाइसेंस वाले हो, हदीस कुरान में कहीं लाइसेंस है? उसने कहा जी, हदीस कुरान में लाइसेंस है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। ये हुकूमत का कानून है, ये उलुल अम्र है, हमको उस कानून का पालन करना है। कुरान में है, लाइसेंस का लफ्ज नहीं है लेकिन जिक्र है। तो पुलिस वाले ने कहा अरे तुम लाइसेंस का, फिर वही लाइसेंस लाइसेंस बनते हैं। गाड़ी चलवा के देखिए कौन अच्छा मेहरबानी ड्राइवर है। तो उसने कहा कि तुम गाड़ी यहीं खड़ी करो और चलो तुमको हम पहुंचाते हैं, जुर्माना अलग से ले जाकर बंद कर दो। अमल दोनों का एक है, लेकिन पुलिस वाला कहता है ये गाड़ी चला सकता है, ये नहीं चला सकता है। अमल में इत्तेहाद से हुकुम में इत्तेहाद नहीं हो सकता है। दो आदमी जा रहे हैं सैर तफरी के लिए, देहात से निकले, बड़ी हरियाली है, बरसात का मौसम है, खेतों में माशाल्लाह फसलें लहलहा रही हैं। दो आदमी निकले कि चलो तफरी किया जाए। एक ने सोचा कि उधर जाएंगे तफरी के लिए, उधर गन्ने लगे हुए हैं खेत में, हो सकता है तबीयत लग जाए। तो उस खेत के मालिक के पास जाकर उन्होंने कहा भाई मैं उधर घूमने जा रहा हूँ, अगर तबीयत में आया दिल चाहा तो क्या आपकी इजाजत है एक दो गन्ने में खा सकता हूँ? कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा तुम्हारा तो वो लेन देन चलता ही रहता है, एक दो गन्ने में क्या होता है। दूसरे ने न मालिक से मिला न इजाजत लेने की जरूरत महसूस की। ये दोनों जा रहे हैं साथ में, जिसने इजाजत लिया था उसने एक गन्ना दौड़ा चबाना शुरू कर दिया, जिसने इजाजत नहीं लिया था उसने भी दौड़ कर खाना शुरू कर दिया। अगर तुम क्यों खा रहे हो, अगर तुम कैसे खा रहे हो? इसी खेत का गन्ना तुम खा रहे हो ना, इसी का तो मैं भी खा रहा हूं, तो तुम्हारे लिए हलाल मेरे लिए हराम। जी, जिसने इजाजत ले रखी है उसके लिए हलाल है, और जो बे इजाजत खा रहा है हराम है। शाफई आमीन बिल जहर करता है जायज है, हंबली रफा दैन करता है जायज है, गैर मुकल्लिद करता है नाजायज है। ये लाइसेंस ही है, ये मेरा लाइसेंस ही ड्राइवर है, इसको रोका जाएगा, उसको नहीं रोका जाएगा। पढ़े लिखे आलिम फाजिल लोग हम जाते हैं, उनका हदीस में तो ऐसे भी है, चलेगा। चलेगा कैसे? बे लाइसेंस ही चलेगा जान में, ट्रैफिक पुलिस चलने देगी उसको, हम जैसे लोग नहीं चलने देंगे। इनके रफे दैन से पारा चल जाता है, हरम में रफे दैन होता है तो पारा डाउन हो जाता है। वो तो मेरा भाई, वो तो लाइसेंस ही है, ये नहीं खा सकता है, वो खा सकता है गन्ना।
लेकिन अफसोस किसको समझाइएगा, यहां तो जो समझाने वाले तो वही ना समझ हो चुके। समझाओ के पीछे इन मूल्यों में इतनी लियाकत नहीं है, इतनी सलाहियत नहीं है कि वो इनमें अरबा के इख्तलाफ में और इनके इख्तलाफ में फर्क करें। इनका इख्तलाफ रहमत नहीं है, इनका इख्तलाफ मुखालफत है, जिद है, अधर्मी है। ये झूठी हदीसें गढ़ लेते हैं, गलत हवाले दे देते हैं। लेकिन इम्मे अरबा में से कोई ऐसा कर सकता है? बताओ, इनका उस इख्तलाफ से क्या मतलब है? ये किताबों के हवाले गलत देते हैं, हदीसों के हवाले गलत देते हैं। जहां पर इनका मतलब चले वहां मौजू हदीस पर अमल कर लेंगे, और जहां इनके मतलब के खिलाफ हो वहां सही हदीस को सही करार दे देंगे। क्या इमामों में भी ये सब चीजें चलती हैं? इमामों के इख्तलाफ से और इस इख्तलाफ से इतना फर्क है जितना आसमान और जमीन के दरमियान फर्क है। मेरे भाइयों, समझने की कोशिश करो। वो लोग बड़े नादान हैं और या बड़े बेइल्म हैं जो इस इख्तलाफ को हल्का समझते हैं, इमामों और इम्मे अरबा जैसा इख्तलाफ समझते हैं। ये इख्तलाफ नहीं है, ये जमहूर उम्मत से लड़ाई बोल लेना है। इसी को अल्लाह के हबीब ने फरमाया है, इत्तबे उस्सिवाद अल आलम यदुल्लाहि अलल जमाअ काफलों से अलग चलने वाली ही बकरियों को भेड़िया पकड़ती है। हमने माना कि किसी आलिम को या किसी उम्मत में एक दो फर्द का यह कौल भी है तो ये शाज है, ये जमात का रास्ता नहीं है। अल्लाह